बर्फबारी शुरू है 18 जुलाई है और करम्बर लेक है अपर चतराल वाला। बहुत अच्छा मौसम है और देखो ये जरा। वेलकम टू करम्बर लेक, जो कि ब्रोगल वैली अपर चित्राल में 4,300 मीटर की हाइट पर वाकिया है। इसका शुमार पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक्स में होता है। ब्रोगल वैली की खूबसूरती वहाँ के बुलंद तरीन पहाड़, मैदान और ग्लेशियर्स हैं। लेक के बिल्कुल सामने है गरमोज जूम पीक, जिसकी हाइट है तकरीबन 6,000 मीटर और वह लेक की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। जितनी ये लेक खूबसूरत है उतना इसका रास्ता लंबा और मुश्किल है। हमारा भी प्लान बना करम्बर लेक को एक्सप्लोर करने का और मैं ये सोच रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, पर ये हकीकत थी। ये पूरी पीक्स पे स्नोफॉल हुई है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और ये लेक बहुत अच्छा वाला, ये होपनाक लेक है, होपनाक। शक्ल है ना ये वाटर की, जो कलर है इसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। डे वन में हमने अपने सफर का स्टार्ट लिया इस्लामाबाद से। रास्ते में मालागंज क्रॉस किया, फिर हम पहुंचे दीर और दीर से चित्राल, रास्ते में लवारी टनल क्रॉस की और फाइनली हम पहुंच गए बुनी, जहां से हमारा असल सफर शुरू होना था। तो हमने क्रॉस करना बाइक पे था, पर यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है टनल में, जिसकी वजह से हमने बाइक लोड नहीं है जीप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम बुनी मस्तूज। और इस बार हमारा जो प्लान है वो है बेसिकली करम्बर लेक का। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ सवाद से हैं, कुछ चारसदा से हैं और कुछ मैं इस्लामाबाद से हूँ। और मेरे साथ हैं इंतखाब भाई। अभी हमने पहले चेक किया है कि हमें असल में ना करम्बर के लिए आपको चाहिए होती है NOC परमिशन, उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर बॉर्डर लगता है तजाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। कोशिश की है क्योंकि आज संडे है, DC ऑफिस ऑफ है, तो बस रिस्क पे जा रहे हैं। एक दोस्त ने कॉल की थी तो कह रहा है मे बी हमें परमिशन मिल जाए। और ये है मेरे साथ इंतखाब भाई, इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, बाकियों का आपसे बाद में करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जा रहे हैं करम्बर लेक और इधर बोनी में DC ऑफिस से परमिशन लिया और काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। और सुनाए जज्बा कैसा? जज्बा बहुत है। सफ़र शुरू करते हैं, अभी तकरीबन दिन के 12 बजे हैं। कल हमने काफ़ी लंबा पैच किया था इस्लामाबाद टू बुनी, जिसमें लवारी पास क्रॉस किया, उसकी छोटी सी वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी इस टाइम ये खूबसूरत सा ब्रिज है बुनी के स्टार्ट में, तो करते हैं अपना मिशन स्टार्ट टूवर्ड करम्बर लेक, देखते हैं कितनी मुश्किल आती हैं और क्या क्या रास्ते में एक्सपीरियंस करते हैं। चलें जी चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह। वैसे मैं शुरू करने लगा था ब्रार भाई की तरह, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा गुजरे और खैरियत से गुजरे। फ़िलहाल अभी हम निकले हैं बुनी से, रास्ते में कहीं नाश्ता करेंगे और निकलते साथ ही वेलकम बाय मिट्टी फुल, अब ये हमारे साथ ही चलती रहेगी पूरा करम्बर तक। ये मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं सईद भाई। सईद भाई का बेसिकली प्लान था करम्बर झील का, तो उनसे मैंने कोऑर्डिनेशन की है, आपको मिलवाऊंगा आगे जाके हम जहाँ पे नाश्ता करेंगे या फिर दोपहर का खाना खाएंगे। बाकी आप व्यू चेक करें, इस रोड पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह एक दो साल में ये रोड बन जाएगा गिलगित टू चित्राल और फिर यहाँ पे अच्छा खासा टूरिज़्म बूस्ट हो जाएगा।
जिससे लोकल की भी हेल्प हो जाएगी। एक यहाँ पे ये छोटी छोटी जिमनीज और छोटा की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ओह हो, बहुत कमाल का व्यू है जी। आपने फिल्टर लगाया हुआ है ना आँखों के आगे? मैंने कहा आँखों के आगे फिल्टर लगाया हुआ है ना, इस वजह से मज़ा आ रहा है। ये राइट साइड पे मेरी है जी बुनी वैली, और ये देखें दरिया कितना तेज़ चल रहा है, क्योंकि आजकल गर्मी पीक पे है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे पानी का फ्लो इंक्रीज हो गया। तो करते हैं जी सफ़र। के लेवल पे आ गया, बल्कि रोड दरिया के लेवल पे आ गई है, और क्या कमाल का मौसम हो गया है। जैसे ही बादल आए हैं, इसे कहते हैं ना परफेक्ट मौसम है राइड के लिए, वो वाला सीन है। बोरी से सफर स्टार्ट की दूसरी चेक पोस्ट है, हसरत बड़ी निगाहों से देख रहे हैं आर्मी वाले को। ले जी फाइनली इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मशतूज। देखते हैं कि हमारे दूसरे बिछड़े हुए साथी किधर हैं। असल में हम थोड़ा सा बीच में लेट हो गए क्योंकि हमने वापस जाना पड़ा बुनी एनओसी के लिए। ये कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया आपको? ये नईम बाचा की तरह की ने इशू किया। जगुल पर इंस्टा का सर खबर है इसी में जो पड़ा तो देव कुर्बान हफ्ता शुरू मक्के जा तो मक्के का खुराक देखो का तो जई और बस मिल जाता तो फिर बस जो सब तो को खैर वाले ये जी अपना बाइक सेटअप लगाया, नए बैग लगाए थे साइडों पे, हालांकि बड़े बाइक के बैग्स हैं पर हम छोटे बाइक पे यूज़ कर रहे हैं। बाकी इधर से पेट्रोल फिल करवा लिए मस्तूज से, अब निकलते हैं। शॉक्स की भी बस हो गई है, कीचों कीचों कर रहे हैं, अभी तो एडवेंचर स्टार्ट नहीं हुआ। लेट्स सी। अभी जो है ना शेख खुर्दनोश जो है करम्बर के लिए ले रहे हैं ये मैगी वगैरह, और अभी जो है ना ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से जो है ना चीज़ें पूरी करेंगे क्योंकि आगे जो है ना फिर शमशान घाट है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लाइट सर फिलहाल हम मस्तूज में शॉपिंग कर रहे हैं, चलते हैं फिर बाकी सफ़र बाद में दिखाते हैं आपको। आला का इज्जत खाना, मोटिवेशन कैसा है ग्रामर ले का? जबरदस्त एक साल से इसका इंतजार। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड ब्रोगल मस्तूज से, शॉपिंग वगैरह कर ली है, बाकी जो ज़रूरी काम थे, अब देखते हैं आगे हमें कौन सा एडवेंचर मिलता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा ब्रोगल के ट्रैक का। बस आपने दुआ करनी है। ये है जी मस्तूज का बाज़ार, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ से।
क्या हुआ? इस टाइम जो लाइट है ना, ये सबसे बेस्ट है वीडियोस के पर्सपेक्टिव से। सफ़र तो हमने स्टार्ट शुरू किया हुआ है करम्बर वाली साइड, ब्रोगल वाली साइड का। बस मिक्स किस्म की रोड है, कहीं पे कारपेट है, कहीं पे ग्रेवल है और कहीं पे ऐसा। मेरा भी फर्स्ट टाइम है ब्रोगल का, सो उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस रहे हमारा और हम खैरियत से पहुंच जाएं करम्बर लेक। क्या कमाल का व्यू है यहाँ से पूरी वैली का, मस्तूज ही कहेंगे इसको भी। वो खैर क्या हाल है? ठीक हो? फिट है? मुराल अप है? जवान का मुराल अप है? क्या मुराल? मुराल मुराल क्या है? जज्बा? जज्बा तो हम में है, बहुत है। अगर जज्बा नहीं होता ये हम यहाँ पर होते। राइट साइड से जाना, राइट साइड से। किसी गांव से गुजर रहे हैं और आगे ये गांव का आ गया है ग्राउंड। यहाँ पे हर कोई अपनी मस्ती में लगा हुआ है, कोई खेल रहा है फुटबॉल, कोई क्रिकेट। ये कोई अजीब सी गेम खेल रहे हैं, नहीं नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं। और फटा हो गया। कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद से। आगे किधर जाना? ब्रोगल करम्बर लेक। बस का ना मड़ा है रहा, इतने के शूज उतारने की जरूरत है रहा। ये तो भाई सीरियस ही हो गया, ये तो रोनाल्डो है। चलो ओ गोल हो गया इधर। उधर प्लेंटियाँ चल रही हैं, वो प्लेंटी प्लेंटी। लगता है यहाँ पे सही अच्छी खासी बारिश हुई है। तकरीबन हम 4 से 5 किलोमीटर से इसी तरह का पैच क्रॉस कर रहे हैं। ये बाइक इज ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग और स्विफ्टिंग। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। अगर आप करम्बर लेक आना चाह रहे हैं और इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो जाए या फिर आप इसको एज अ
एंटरटेनमेंट भी देखना चाह रहे हो तो फिर भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इग्नोर करो इनको। वाओ क्या कमाल का व्यू आया। जो पीछे व्यू नजर आ रहा है ना आपको मैं भी दिखाता हूँ, ये चेक करें। सलाम अलैकुम। जा। अरे तुम ये शॉट ले रहे थे ना, उस टाइम मैंने भी ये शॉट लिया है, तो ये कभी वो कैमरा फ्लिप होगा, कभी ये बड़ा करेगा यार। आप भाई है ना ब्रोगल वैली की पहली वाटर क्रॉसिंग, जिसमें लगेगा थोड़ा सा शुगल, थोड़ा सा लगेगा, इतना नहीं लगेगा, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं, मैं तो देखने आया रोटी का प्रोसेस क्या है यहाँ पे। सही देसी आटी वाला रोटी है, क्यों है क्या सीन है? आगे चले गए, वो आगे चले गए अभी उधर, उनको मैंने बोला कि रुक जाए, वो कहते हैं मैं तो उनके जाना है करम। क्या हुआ? तो कह रहे हैं उसी नहीं हुआ पीछे। अच्छा चलो वापस, एनओसी है ना वो आपके वाला। ये अभी ये लोग ने एनओसी को अपडेट करते चले जा रहे हैं। अपडेट कर दिया? हां अपडेट कर दिया। दूसरा बना लेते हैं हम। ए कार्ड वॉश इधर ना, कार्ड नंबर और सॉल्व थोड़ा सा दादा मादा मोर का प्लीज सर। ये क्या अभी इसने ले प्रेप नहीं लिखा, प्रेप पोस्ट में इन लोगों को जाने की इजाजत है। नंबर दे, नंबर 1933 ले हमारा दादा देखा वर्षा का ना जा। ये जी रात के टाइम हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिप के बाद ये पुल आया है।
ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड। अब दुआ करते हैं कि आगे का रास्ता खुला हो, नहीं तो मिशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्या चीज़ है आपको? किसी रास्ते में किसी ने रोटी दिया था। हाँ हाँ आ रही है। क्या खिला रहे हैं आज हमें? बस ये अंडे, ये पकाना है। बस ये पकाना है? हाँ बस ये पकाना। अंडा टमाटर? अंडा टमाटर वो खाएंगे फिर बाद में आपको रिव्यू देंगे। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। एक छोटा सा गांव है, ब्रिप के बाद आता है नाम मेरे जहन से निकल के। इस गांव का नाम क्या था? बस सामान वगैरह रेडी कर रहे हैं, बाकी सब फिट है। रात हमने सही गपशप की, एंजॉय की है। ये खड़े हुए इंतखाब भाई, इज़्ज़त भाई, सईद भाई और नईम भाई, सामान सब कुछ रेडी है। बस निकलते हैं आगे, सफ़र स्टार्ट करते हैं टूवर्ड ब्रोगल। क्यों इंतखाब भाई? मेरा जो है ना अली भाई, आज से सफ़र शुरू हुआ है। ये दो दिन जो है ना वो बस वैसे गुजर गए। हाँ इज़्ज़त भाई, सफ़र तो अभी स्टार्ट हो गया। हाँ नईम भाई जी, असल सफ़र अभी स्टार्ट होने वाला है। क्यों सईद भाई? यार सही कह रहे हैं। यार सही तो इसलिए कह रहे हैं, हमने थोड़ा सा ऑफ रोड किया भी है पीछे, बहुत जो है ना ज़्यादा वाटर स्ट्रीम आए बीच में, उसको हमने क्रॉस किया और अभी आगे जो है ना खतरनाक किस्म का ऑफ रोड हमारा क्लास लेगा ये रास्ता। सब रेडी है जी, निकलते हैं फिर। तो सफ़र शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र अच्छा और खैरियत से गुजरे। तो बाकी आपको बाइक पे गपशप लगाते हैं आपके साथ। ऑफ किया किसने? ठीक है चलो जी, चलो सफ़र शुरू कर दिया। आप बस दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं खैरियत से हम पहुँच जाएँ, बाकी सब अच्छा है फ़िलहाल। सिर्फ रोड्स के इशू हैं, बाकी तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर रोड थोड़ी बेहतर हो जाए तो इनकी ज़्यादा हेल्प होगी हमारी निस्बतन, क्योंकि इनका तो रोज़ का काम है आना जाना, हम तो तकरीबन 2 या 3 दिन के लिए आते हैं। प्रिज कुछ नाम था इस गांव का, पता नहीं क्या नाम था। काफ़ी ख़ूबसूरत गांव है। अभी तकरीबन सुबह के 8 बजे और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्लान कर रहे होंगे क्रम्बर लेक आने का, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आए। लोकेशन तो इटसेल्फ काफ़ी ख़ूबसूरत है, पर जो रास्ते में आप एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट वैलीज़ का, डिफरेंट लोकल्स के साथ इंट्रैक्शंस का, तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है, एडवेंचर का, वाटर क्रॉसिंग्स का। अभी तो आनी है, आगे देखें आगे आगे होता है क्या हमारे साथ। कप मिला हमें, बस इसमें चाय पीना है। आप देखते हैं कप सलामत रहता है कि नहीं रहता। ये थोड़ा सा स्टीप पोर्शन आया, इतना भी स्टीप नहीं है, पर आगे ऐसे लग रहा है कि बारिश हो रही है। एयरखोन लास्ट वाली साइड पे
कि वहाँ पे गहरे बादल हैं, गहरे और काले बादल हैं। मे बी जब तक हम पहुँचे बारिश हो जाए और मौसम खुशगवार हो जाए वहाँ पे। कमाल का व्यू आया यार। मेरे ख्याल से इन एरियाज में लैंडस्लाइडिंग और फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, मे बी बारिशें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स। और बस दुआ है कि खैरियत से हम करम्बर लेक पहुँच जाएँ, फिर उसके बाद देखी जाएगी बाकी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। चक्की है ना? चक्की है, चल रहा अभी। हाँ ये गंदू वाला चक्की है। अच्छा गंदू वाला चक्की है, पानी से चलता है? हाँ ये पानी के साथ फेंकते। अच्छा अच्छा। अगर पानी अभी मतलब है कि ये दूसरा मशीन आ गया ना, जी जी, गंदू वाला, हाँ उसके सारा बंद किया। अच्छा बंद किया। चार चक्की है, चार चक्की वो बंद कर दिया। बंद कर दिया अभी ये चक्की भी, अभी ये चक्की मतलब है कि लोग बोलते कि ये मशीन है ना। हाँ मशीन से करें। हाँ बोलते कि ये लोग ये मशीन के अभी मतलब है कि टिकट लेके। जिंदगी आसान होगी इसका, टिकट लेके है, टिकट लेके जाएगा मतलब है कि वो लोग मशीन भेज देगा या दोबारा ये चक्की चालू हो जाएगी। ये पानी के साथ चलती, पानी के साथ चलती है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे ऐसे लग रहा है कि बारिश हो रही है, बारिश हमारे वेलकम के लिए इंतज़ार कर रही है कि बस आप आएँ और आप फुल एंजॉय करें बारिश को। देखते हैं हमें बारिश कौन से गांव में जाके मिल जाती है, क्योंकि आगे जो मौसम के हालात चल रहे हैं ऐसे ही लग रहा है कि आगे बारिश हो रही है। बारिश का मतलब है सही हैवी किस्म की ठंड भी साथ में आएगी। ओ देखें सामने नज़र आ रहा होगा आपको, पहाड़ों पे बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? सब कुछ है आपके पास? पीछे वाले बंदा, आगे पीछे वाले बंदा के पास। आप लोग कल किधर रात गुजारा? ये पीछे पीछे थोड़ा सा। पांच बंदे हैं। रास्ते में ना बारिश आई है जिसकी वजह से हम थोड़ी देर रुके थे और कैमरे का मैंने उतारा था। आगे भी बारिश चल रही है, बस ऐसे ही चल रहा है ऑफ रोड फिलहाल। इधर किसी से लिफ्ट भी नहीं करा रहे और लगे मैं फुल। भाई आप मज़े के? मेरे सेब ने ऑर्डर दिया। वो देखें सामने ऊपर टॉप पे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हुई है रिसेंट और अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे। ट्रैक चेक करें यार, ट्रैक के साथ खूबसूरती चेक करें,
कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। वैसे पहाड़ तो मैंने हर जगह देखे हैं, यहाँ के थोड़े डिफरेंट हैं। वाओ, सुबह के निकले हैं, बस चलाते जा रहे हैं, रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे ही है। कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मैं GoPro माउंट करता हूँ बारिश दोबारा आ जाती है। यहाँ पे हो ना ड्यूल पर्पस बाइक, क्या चस्क रहा है। सामने जो सीन है उसको देख के मुझे शिमशाल की याद आ रही है, बिल्कुल एक पास सा बना हुआ है।